बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन हुए? यूं तो बिहार में सुशासन का प्रचार बड़े जोरों शोरों से होता है और बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े वादे और प्रचार किए जाते हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत दिखाने के लिए हमारी टीम बिहार के बेगूसराय के बीरपुर प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पर्रा पहुंची। उसके बाद की जो कहानी थी वो आप खुद ही देख लीजिए। बेगूसराय जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर बीरपुर प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पर्रा के शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत को दिखाने के लिए हमारी टीम के केशव और गौरव पहुंचे उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पर्रा। कौन सा विद्यालय है? उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पर्रा। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास में। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री? भारत के प्रधानमंत्री। अभी कौन सा विषय पढ़ रहे हो? अभी कौन सा विषय पढ़ रहे हो? जीके। जीके पढ़ने वाले इस छात्र को इतना नहीं पता था कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। फिर हमारी टीम ने एक दूसरे छात्र से बात की। कौन सा विद्यालय है? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री? कौन सा जिले में रहते हो? परा जिले में। राज्य कौन सा हुआ? कौन सा क्लास में पढ़ते हो? क्लास 4 में पढ़ने वाले इस छात्र को नहीं पता था कि वो कौन से जिले में रहता है। खैर, हमने दूसरे छात्रों से बात की। नाम हुआ? कौन सा विद्यालय है? उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पर्रा। कौन सा क्लास में पढ़ती हो? 6 क्लास। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? कौन सा विद्यालय है? कौन सा विद्यालय हुआ? पर्रा। कौन सा क्लास में पढ़ती हो? ये जो शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं शिक्षिकाएं, का क्या नाम हुआ? इन छात्रों के जवाब को सुनकर हमने सोचा क्यों ना इनके भविष्य को संवारने वाले इनके फैक्ट्रियों से बात किया जाए। आपका नाम? आप कितने साल से इस विद्यालय में? 8 साल हो गया। कौन सा विषय आप पढ़ा रहे हैं? हिंदी। आप शिक्षित है कि प्रशिक्षित में है? अभी प्रशिक्षित में, अभी ट्रेनिंग मेरा खत्म हुआ, DLED का एग्जाम दिया 4th सेमेस्टर का। DLED का फुल फॉर्म क्या होता है? DLED मतलब ODL। आप DLED जो किए हैं, DLED का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन सा विद्यालय हुआ? उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पर्रा। कौन सा प्रखंड पड़ता है? कौन सा प्रखंड? ये कौन सा क्लास में मैडम आप पढ़ा रही है? क्या? कौन सा क्लास में आप पढ़ा रही है? वन क्लास में। कितने साल से है? 5 में आए। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन हुए? आप जो आए हैं ट्रेन है कि अनट्रेन है? ट्रेन मतलब बाद में किए हैं कि पहले से बीएड किए हुए हैं? ट्रेन किए हुए। बीएड किए हुए। बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है? बीएड ने किए हैं। कब? इग्नू का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या नाम हुआ? कुमारी बिंदु। कौन सा विद्यालय हुआ?
उत्क्रमित मध्य विद्यालय पढ़ रहा हूँ। कितने साल से आपने योगदान दे रही है? 13 साल से। अभी कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? हिंदी। अब बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? मेरे शिक्षा मंत्री है। आप ट्रेंड है कि अनट्रेंड है? ट्रेंड किससे किए हैं? यहाँ किससे किए हैं? मैंने इग्नू से किए हैं कि डायरेक्ट इग्नू से? इग्नू का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन साल आप ट्रेंड हुए हैं? कौन साल? 13 में ट्रेंड हुए हैं। पहले आपके बाली में ट्रेंड हुई थी कि अनट्रेंड हुई थी? अनट्रेंड। उसके बाद आप इग्नू से ट्रेंड हुए हैं? इग्नू का फुल फॉर्म नहीं पता। बीएड किए हैं कि डीएड किए हैं? बीएड नहीं किए हैं, बीएड। मैंने ये ट्रेनिंग जो है कौन सा विषय से की है? हिंदी से। संज्ञाओं का परिभाषा तो समझना मुझे। संज्ञा का परिभाषा? बहुवचन किसको कहते हैं? छात्रों के भविष्य को संवारने वाली इन मैडमों को ना तो बिहार के शिक्षा मंत्री के बारे में पता है ना ही संज्ञा के बारे में। जब बिहार में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का आधार ही ठीक ना हो तो उच्च शिक्षा का गुंजाइश कैसे किया जाए? छात्रों के भविष्य का नैया को पार कराने वाले इन नाविकों का नाव ही जब बीच मझधार में फंसा हो तो किसी और चीज का गुंजाइश क्यों करे? शिक्षा की ऐसी व्यवस्था बिहार सरकार तथा भारत सरकार के लिए सवालिया निशान है। साथ ही साथ एक सवालिया निशान उन शिक्षकों से भी है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बरसों तक लाइव के लिए बिहार से केशव भारद्वाज और गौरव भारद्वाज की रिपोर्ट।